بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین کرام आप हजरात को मालूम है कि आज माह ज़िलहज्जा की दो तारीख है। और यकम अगस्त बरोज़ हफ्ता ईद उल मुबारक ईद उल अज़हा अदा की जाएगी। इस दफ़ा हमारे मुल्क में जो वज़ीर साइंस हैं उन्होंने उनकी सारी के सारी साइंस एक चांद के देखने पे आके शुरू होती है और चांद के देखने पे ख़त्म हो जाती है। ईद उल फितर में भी उनकी तरफ से ज़ोर शोर चलता रहा, ईद उल अज़हा आई है तो फिर इसके चांद पे उन्होंने शोर डाल दिया। अब चांद चौके नज़र आया नहीं था, लेकिन वो कह रहे थे जी हमारी मशीनों ने हमारी दूरबीनों ने चांद देख लिया है, तो लोग 30 तारीख को ईद कर लें। उधर उलमाए कराम अल्लाह तबारक व तआला उनको सलामत रखे, वो बैठे हुए थे चांद देखने के लिए। जब चांद नज़र नहीं आया और नज़र आने की कोई शहादतें भी मौसूल नहीं हुई, तो फिर उन्होंने कहा कि चांद कल नज़र आएगा। अब अगले दिन चांद क्योंकि 30 तारीख हो चुकी थी तो चांद पे नज़र आना ही था, चांद नज़र आया। पूरे मुल्क में खुसूसन फेसबुक पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी कायम हुआ, जिस पे दो किस्म के लोग थे। एक वो जो खालिस लिबरल किस्म के लोग हैं, दूसरे वो जो ना तो लिबरल हैं ना वो दीनी मानते हैं ख़ुद को, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इला हाउला वला इला हाउला, ना वो इधर के हैं ना वो उधर के हैं। वो कहते हैं जी हम उलमा की बात मानते तो हैं, लेकिन बात फवाद चौधरी साहब की सही है कि चांद की जितनी बड़ी हयत नज़र आ रही है और जितने लंबे टाइम चांद नज़र आता रहा है, इतनी देर पहली तारीख का चांद नज़र आता नहीं है और इतना बड़ा चांद होता भी नहीं है। अब ये बात लोग सिर्फ़ और सिर्फ अकल की बुनियाद पे कह रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अकल की बुनियाद पे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब अगरचे वज़ीर साइंस हैं लेकिन हमारे मुल्क में जो वजारतें दी जाती हैं वो किसी अहलियत की बुनियाद पे नहीं दी जाती कि ये आदमी साइंस में किसी उसमें इसने पीएचडी की हुई है या कम से कम इसने एमएससी किसी स्पेसिफिक बुक में किया हुआ है, ठीक है जी, या ये है कि ये बंदा जो है ना एक साइंसदान है इसलिए हम इसको साइंस की वजारत दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता, बस जो जितनी ज़्यादा चापलूसी कर लेता है उसको वजारत अता कर दी जाती है। अब ये कोई माहिर फलकियात तो है नहीं, बस एक दीन से इन्होंने मुतक्का लगाया हुआ है, पंजाबी में बोलते ना मुतक्का लाया है, तो दीन से इन्होंने एक ज़िद ली हुई है। जब चांद के नज़र आने का वक्त होता है ये जनाब अपनी फरूतनियाँ छोड़ना शुरू कर देते हैं, नहीं जी ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो होगा। अच्छी भली आवाम कितने सालों से उलमाए कराम के पीछे चलती आ रही थी, उलमाए कराम जैसे कहते थे वैसे लोग मान लेते थे, बात चल रही थी
और उलमाए कराम भी कोई पागल नहीं है, वो अहकामात को जानने वाले हैं, उनको पता है कि चाँद के बारे में अल्लाह के नबी का क्या हुक्म है। लोग कह देते हैं एक रोज़ा खा लिया है। भाई पाकिस्तान की रहने वाली जो आवाम है, कम से कम जो मुसलमान लोग हैं उनकी तादाद 21 करोड़ है तकरीबन, इतनी है उनकी तादाद। अगर इतने लोग रोज़ा छोड़ रहे हैं इनकी वजह से, तो इन पे आएगा उनका गुनाह, इनका तो दिमाग ख़राब थोड़ी है कि लोगों का गुनाह अपने सर डालेंगे। रखें लोग रोज़ा, ये क्यों लोगों का गुनाह अपने सर डालेंगे? ये सिर्फ चाँद देखते हैं, चाँद देखने के अगर तो चाँद वाज़े नज़र आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर ये उस पर शोर नहीं डालते। अगले दिन जाहिर सी बात है 30 तारीख को भी चाँद नज़र आने वाला होता ही है, तो फिर उस पर अमल कर दिया जाता है। वैसे भी इस्लाम का तरीक़ाकार ये है, अगर मतला साफ ना हो और चाँद नज़र ना आए, ठीक है, चाँद नज़र आने के इम्कान भी ना हो, चाँद नज़र भी ना आए, और तो फिर क्या होता है, अगले दिन पे बात टाल दी जाती है, छोड़ दी जाती है, और 30 तारीख को चाँद मान लिया जाता है। जिस तारीख 30 तारीख वाले दिन जो शाम को चाँद नज़र आता है वो मान लिया जाता है। ये इस्लाम का उसूल है। अब अगर हम थोड़ी सी साइंसी बात कर लें, हूँ तो मैं भी कोई साइंसी आदमी नहीं, लेकिन हमारे कुछ दोस्त हैं जिनका फलकियात, जिन्होंने फलकियात पढ़ी है और बड़े वो माहिर हैं फलकियात के माशाल्लाह, वो कहने लगे कि चाँद के बारे में उसूल ये है। ये बात जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सुनने वाले तमाम अहबाब इस बात को मद्देनज़र रख लें, चाँद के बारे में उसूल ये है कि अगर चाँद 29 तारीख का नज़र आता है तो फिर वो बिल्कुल पतला सा होता है और बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए नज़र आता है, फ़ौरन से गायब हो जाता है। लेकिन अगर चाँद 30 तारीख को नज़र आता है तो चाँद की जो शक्लो सूरत है, जिसामत है, वो भी थोड़ी सी ज़्यादा होती, मोटी होती है, और वो आसमान पे लंबे वक़्त तक रहता है। ये बात ज़हन नशीन कर लें, ये चाँद की एक आदत है। और अगर आपको हो सकता है मेरी बात का यकीन ना भी आए, तो फिर आप इसको जिस महीने में चाँद 30 का नज़र आता है और जिस महीने में 29 का नज़र आता है, जैसे आगे मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आएगा, आगे सफ़र का चाँद नज़र आएगा, आप दोनों चाँद देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 30 वाला कितनी देर रहा और कितनी उसकी हैयत थी, कितना मोटा था, और 29 वाले की क्या सूरत हाल थी और वो कैसे था। ये चाँद का मसला था जो मैंने